लड़की की वीडियो यहाँ पे चलाऊंगी नहीं, मैं लगाऊंगी नहीं, कहीं कॉपीराइट क्लेम ही ना आ जाए। मोनिटाइज नहीं है चैनल, ठीक है मानती हूँ, लेकिन मेरी मेहनत है यार, मेरी सालों की वीडियोस हैं इसके ऊपर, तो इसलिए मैं उसकी तस्वीर जरूर लगाऊंगी क्योंकि बात ही सारी उस पर होगी, लेकिन उसकी वीडियो नहीं चलाने वाली मैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आजकल जो सारे यूट्यूबर्स का टॉपिक बना हुआ है, एक बहुत ही गर्ल वायरल हो रही है, एक लड़की आयशा नामी जिसका निक नेम मानो है। ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए निकाली है, यकीन मानो मुझे इसमें इतना भी कुछ नहीं पता था, लेकिन जो मैं जब भी फेसबुक खोलती हूँ, जब भी यूट्यूब खोलती हूँ, तो सिर्फ एक ही नाम है, क्या नाम है यार उस गाने का जिस पर उसने डांस किया है, आजा A few moments later. जी। तो वीडियो स्किप करके मैं गाने का नाम देखने गई थी, लिटरली मुझे इतना भी नहीं पता है, तो अभी मैंने जल्दी जल्दी अपना होमवर्क किया है और फिर मैं ये वीडियो बनाने के लिए आ गई हूँ। तो मेरा दिल ये पुकारे आजा गाने पे, जो उन्होंने लता जी के इंडियन गाने पर जो उन्होंने डांस स्टेप किए। पहले तो देखो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये लड़की वैसे ही टिकटॉकर है और मॉडलिंग में भी आई है, तो मुझे लग रहा है या तो ये सब कुछ प्लान होगा, क्योंकि एक फैमिली गेट टुगेदर में कोई इस तरह का बेहुदा, अगर कह दूं तो गलत नहीं होगा, इस तरह का वायरल जो डांस हुआ है ये बेहुदगी पर ही हुआ है, वरना हजारों लड़कियां नाचती हैं शादियों में, अपने घर की खानदान की तकरीबों में, लेकिन फैमिली गेट टुगेदर वाला डांस तो ये कहीं से भी नहीं था, पीछे आंटीज बैठी भी थी, या तो ये पूरा प्लान से हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है, अगर ये प्लान से किया है तो आप इस प्लान में बिल्कुल कामयाब हो चुकी हैं, और मुझे अफसोस उस पे नहीं है जिसने किया है, मुझे आप लोगों पे अफसोस है कि मतलब एक लड़की को आपने इस तरह की बेहुदा हरकत करने पर आपने स्टार बना दिया है। आप उसे मॉर्निंग शो में बुला रहे हैं, निदा यासिर साहिबा ने उसे अपने मॉर्निंग शो में बुलाकर उसको अप्रिशिएट किया है, तो मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं कि हम लोग भी ये सब शुरू कर दें और लड़कियां भी ये सब कुछ शुरू कर दें, तो हम लोगों के लिए भी यही सब चीज़ें हैं। और मैंने तो कल फेसबुक पर उसके बारे में ये भी एक पोस्टर देखा है, किसी ने बनाया कि इस लड़की ने 2 से 3 दिन में 2 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, इसके फॉलोवर्स बढ़ गए, इसके जो हैं इसको प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं। इसको निदा यासिर के शो में ही एक साहब बैठे हुए थे जिन्होंने कहा था मैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में आपको लूंगा, और फिर इन्होंने उस शो में भी अपने डांस के जलवे दिखाए हैं। तो प्लीज़ यार इस तरह से नहीं करो, बेहूदगी को प्रमोट नहीं करो, वरना क्या होगा, आने वाली जनरेशन्स में बेहूदगी होगी और फिर उसमें पैसा होगा। तो ये मुझे लगता है, ये बहुत, मुझे लगता क्या, ये हुआ ही बहुत गलत है। मतलब एक तो खानदान की गेट टुगेदर है और आप निदा यासिर साहिबा उसमें कह रही हैं अपने शो में कि मुझे तो कोई भी उसमें वल्गैरिटी नजर नहीं आई, बिल्कुल फैमिली डांस था। कहाँ से फैमिली का डांस था कि आप भी ये सब कुछ करती रही हैं, कि आपके घर में भी ये सारे मूव्स और ये सब स्टेप्स होते हैं, खानदान में आंटी बैठी हुई हैं, बच्चे हैं वहाँ पर, बूढ़े हैं वहाँ पर, और आप जो हैं कह रही हैं कि ये सारे स्टेप तो नॉर्मल हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं मुझ जैसी लड़कियां हैं, मुझे देख लो, मुझे अपने YouTube चैनल को चलाए हुए कितने साल हो गए यार, 2 से 3 साल हो गए, लेकिन मेरा चैनल नहीं उठ पा रहा है। क्या मतलब है, क्या मैं भी ये सब कुछ करूं तो मुझे 2 से 3 दिन में तुम लोग स्टार बना दोगे, तुम लोग जो हो मुझे अमीर बना दोगे, मैं बर्गर बन जाऊंगी, मैं एक मॉर्निंग शो में आ जाऊंगी, मैं स्टार बन जाऊंगी। और अब तो लोगों का कहना है कि हो सकता है हमारी आयशा उर्फ मानो, जिन्होंने ये डांस स्टेप्स हम लोग हमारी जनरेशन को सिखा के उसे बताया है, उसे मैसेज दिया कि अगर आपको फेमस होना है, इससे पहले इस लड़की को शायद ही कुछ लोग जानते हों क्योंकि ये टिकटॉकर रह चुकी है, लेकिन जिस हिसाब से ये लड़की अब सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुकी है, सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है, इसको हर कोई जानता है, मैं भी जानती हूँ जो कि इसको कभी नहीं जानती थी। तो अब कहा जा रहा है कि हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में या तो ये किसी प्रोग्राम को होस्ट करेगी या फिर ये रमजान ट्रांसमिशन करती हुई भी मिल सकती है। तो ये देख लीजिए, ये मैयार है हमारा, हमारी मीडिया का, हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हम किस चीज़ को जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, और क्या अपने चीज़ों के जरिए क्या मैसेज दे रहे हैं हम अपनी जनरेशन को, आजकल की लड़कियों को, कि उन्हें मशहूर होने के लिए, उन्हें कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। तो अल्लाह सबको हिदायत दे, और प्लीज़ खुदा का वास्ता है ऐसे ना करें, इतनी गलत चीज़ों को प्रमोट ना करें, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरे घर वालों को याद रखें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।